Hey guys, welcome to MotorOctane. आज हम बताने वाले आपको about a bike जो काफ़ी underrated है. मतलब जब आप इसके photos देखते हो, you'll be like ये तो बहुत basic दिखती है bike. जब आप इसे सामने देखते हो, काफ़ी लोग जिनको bike का ज़्यादा knowledge नहीं है, वो बोलेंगे bike को modify किया क्या जिक्सर को. But it's actually not that. जब आप ये bike बैठेंगे, you'll ride it, you are going to love it to the core. आज हम चलाने वाले हैं the Suzuki GSX S 750. Let's get rolling. Ye video end tak dekhiye. This can be your next favorite bike. Ab ye bike underrated isliye hai kyunki iska design jo hai is nothing out of the box. GSX जो 1000cc आती है, इट लुक्स अ लॉट सिमिलर टू दैट इन डिज़ाइन. बेसिक हेडलैम्प है, इट गेट्स अ येलो लाइट, तो किसी की नज़र में ज़्यादा नहीं आएगी. बट दिस ब्लू कलर डेफिनेटली स्टैंड आउट, और ये ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इज़ प्रीटी गुड. ऑफकोर्स दूसरी सुजुकी बाइक्स में भी आता है ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, एंड आई एम ग्लैड कि ये बाइक काफ़ी अंडररेटेड है इन लुक्स, जो मुझे बहुत पसंद आई है. क्योंकि देखिए, इंडिया में काफ़ी सारे लोग जो बड़ी बाइक्स लेके घूमते हैं, कहीं पे भी पार्क करते हैं तो लोग आके पोज करते हैं, बैठ जाते हैं, वो बाइक ओनर्स को नहीं पसंद है, मोस्ट ऑफ देम जो महंगी बाइक्स लेते हैं. और ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है विद दिस काइंड ऑफ अ बाइक, क्योंकि ये देख के ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट नहीं आएगा अनलेस वो देखता है इसके फैट टायर्स एट द फ्रंट एंड द बैक. एंड ऑनेस्टली दिस बाइक इज़ नॉट अबाउट इट्स लुक्स क्लियरली. इसको 17 इंच व्हील्स आते हैं, आगे दो डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, एंड एट द बैक ऑल्सो यू गेट अ डिस्क ब्रेक ऑफकोर्स, और ड्यूल चैनल ABS वो सब तो आएगा. लेट्स नॉट गेट इन टू दोज एस्पेक्ट्स. हवेवर इसका जो टायर है इज रियली थिक एंड ऑफर्स ग्रेट 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 ग्रिप ऑल्सो. जब आप ये बाइक पर बैठते हैं तो इट्स वेरी ईजी टू सिट. अब देखिए, मेरी हाइट इज 6 feet और मैं आराम से बैठ गया हूँ ये बाइक पर, पैर आराम से ज़मीन पर टच हो रहे हैं. अगर आपकी हाइट कम है, लेट्स से 5'5", 5'6", तब आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे टू सिट ऑन दिस बाइक. अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. डिजिटल है, आपको टैकोमीटर दिया हुआ है, स्पीडोमीटर है, रेंज है, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स हियर एंड देयर. दैट्स ऑल अबाउट इट. इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बाइक. लेफ्ट साइड पर आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं फॉर इंडिकेटर, पास लाइट एंड हॉर्न ऑफकोर्स, एंड देर इज़ द मोड ऑप्शन जो काफ़ी बड़ा एरिया ले लेता है क्लोज टू द हैंडल बार. लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड देखते तो यू हैव द किल स्विच एंड द हैजर्ड्स एंड ऑफकोर्स एडजस्टेबल लीवर जो है, बट ओनली फॉर द राइट साइड, नॉट फॉर द लेफ्ट साइड. हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसका क्लच जो है ना, थोड़ा हार्ड है. स्पेसिफिकली अगर आप सिटी में बहुत चला रहे हैं और आप ट्रैफिक में यूज टू इट चलाने को, तो आपको थोड़ा यूज टू इट होना पड़ेगा, बिकॉज द क्लच इज़ अ लिटिल हार्ड, और थोड़े टाइम बाद शायद आपका हाथ दुखे, बट यू जस्ट नीड टू गेट यूज टू इट, नथिंग मोर देन दैट. अब सवाल ये उठता है कि ये बाइक कैसी है टू राइड. ये बाइक बहुत बढ़िया है चलाने को. अब जाते हैं हम ये बाइक चलाने. सुजुकी GSX 750. क्या बोलूँ मैं इस बाइक के बारे में. जब आप इस पर बैठेंगे एंड यू विल स्टार्ट मूविंग इट, आपको कभी फील नहीं होगा कि ये 4 सिलेंडर है, बिकॉज इट्स सो डैम लाइट. चलाने में बहुत ही बेहतरीन है. You would love this bike to the core. City में चलाएंगे या highway पे, you will never feel कि एक और बहुत बड़ी बाइक है, and you can easily handle it with lot of ease. मतलब अगर आपको 200-300cc की बाइक चलाई आपने, एंड यूर मूविंग ऑन टू लाइक अ 750 GSX, you would love it. आपको just you'll feel that there's only extra power. उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा आपको टेक्निक नहीं सीखना पड़ेगा, just to handle it within limit speed. पर ऑफकोर्स इफ़ यू गो हायर इन स्पीड, दैट्स वेन यू हैव टू राइड मच बेटर. एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा कि ये बाइक ना केवल चलाने में बेहतरीन है, बल्कि द इंजन नॉइज इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट. ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एंड आई एब्सोल्युटली अडोर इट. राइड क्वालिटी डिसेंट है, थोड़ी स्टिफ है, ऑन बैड रोड्स आपको महसूस होता है, बट हैंडलिंग इसकी इज़ फैंटास्टिक. सीटिंग पोजीशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एग्रेसिव, काफ़ी बढ़िया है सीटिंग पोजीशन.
तो एज अ प्रोडक्ट ये बहुत ही अच्छी है एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसका बहुत बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट सफिशिएंट, जितना आपको फ्यूल लगेगा इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली राइडिंग। मिरर साइज भी इसकी डिसेंट है और इजीली यूजेबल भी है एंड ओवरऑल आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस बाइक। इसमें ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं होती है, हाँ ट्रैफिक में आपको थोड़ा बहुत हीट डेफिनेटली फील होगा ऑन दिस बाइक बट नथिंग मोर देन दैट। जैसे ही आप इसे ओपन रोड पर चलाओगे यू वुड लव दिस बाइक। सो अगर आपको एक बाइक चाहिए एज एन अपग्रेड फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग 200 to 500 cc, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस है इफ़ यू नीड समथिंग दैट्स फन एंड क्विक। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। जब मैंने बाइक फर्स्ट टाइम देखी थी मुझे लगा था शायद इट विल बी वेरी हैवी टू राइड, बट ऑनेस्टली सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, एनीवे यू आर गोना लव दिस डैम थिंग। बहुत स्वीट है, इंजन नोट बहुत बढ़िया है और जैसे आप नॉर्मल कोई 200-250 cc बाइक सिटी में चलाते हैं यू कैन जस्ट मूव अराउंड, दिस इज़ वॉट दिस डैम थिंग इज केपेबल ऑफ। तो इस वजह से इट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट टू लुक एट और मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर रिकमेंडेशन। अगर आपका बजट 900,000 के अंदर एंड यू नीड अ कम्प्लीटली फन बाइक जो आप सिटी हाईवे दोनों पे चला सकते हैं देन दिस इज योर अल्टीमेट चॉइस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर पसंद नहीं आया तो डू लीव योर कमेंट्स, पूछिए अपने सवाल जिसके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे इन डिटेल फॉर श्योर। एक चीज़ और कहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और हाँ सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, राइड सेफ, हमेशा हेलमेट पहन के टू व्हीलर चलाएं।